माशाल्लाह आलू वड़ी कितनी अच्छी लग रही है, बनाने में भी आसान है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी महाराष्ट्र की फेमस आलू वड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 15 अरबी के पत्ते, पाव किलो चने का आटा, स्वाद के हिसाब से नमक, तेल, एक वाटी इमली का पानी। मसाले में मैं तिल लूँगी 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 3 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर। सबसे पहले हमें ये डंडी को ऐसा काटना है, जहाँ तक ये निकालेंगे इसकी डंडी जो मोटी है ना वहाँ तक के। अब ये साइड का हिस्सा काटेंगे। अब हमें ऐसे ही सारे पत्तों की डंडियां निकाल लेनी है। अब मैंने सारे पत्तों की डंडियां निकाल दी हूँ। अब इसे धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लूंगी। अब मैंने पत्तों को पोंछ के रख दी हूँ। इसे साइड में रखकर मसाला तैयार करूँगी। बाउल में मैंने चने का आटा ली हूँ। अब इसमें डालूँगी इमली का पानी। अब इसमें ये सारे मसाले एक साथ डाल दूँगी। अब इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसे मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, पानी ज्यादा नहीं डालना है, देखकर डालना है। इसमें मैं पानी और थोड़ा सा ऐड करूंगी। हमारा आटा मिक्स हो चुका है। हमें ऐसे ही गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। हमें पत्ते को उल्टे साइड रखना है, सीधे साइड नहीं रखना है। अब हम इसमें लगाएंगे आटा, हाथों की मदद से लगाएंगे, सब तरफ लगाएंगे आटा। पतला ही लगाना है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे, लेकिन इसका मुंह जो है वो ये साइड रखेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी हम लगाएंगे आटा। इसी तरीके से हम सारे पत्ते में आटा लगाएंगे। 5-6 पत्ते को हम लगाएंगे। अब हमारे पत्ते को मसाला लगाकर हो चुका है। अब हम इसे रोल करेंगे इस तरीके से। पहले ये साइड से करेंगे ऐसे, फिर दूसरी साइड से। यहाँ पर भी हमें थोड़ा आटा लगाना है। फिर ये कोना पकड़कर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। इसे भी आटा लगाकर यहाँ पर कोने में चिपका देंगे। अब ये हमारा रोल हो चुका है, इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे पत्ते को रोल करेंगे। हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम भाप में पकाएंगे। इसके लिए मैंने टोप में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। ये छन्नी हमने लिए है, आप भी ऐसी कोई छन्नी ले सकते हैं। अब मैं छन्नी में तेल लगाऊंगी ताकि रोल चिपके ना। अब इस रोल को रख दूंगी इसमें। अब ये छन्नी को मैं टोप में रख दूंगी। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी और 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाऊंगी।
अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। चाकू की मदद से हम इसे बीच में ऐसा चुभाएंगे और फिर निकालेंगे। ये देखो आटा इसमें लगा नहीं है, यानी कि पक चुका है। अब हमारा गैस हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब रोल जो है ठंडा हो गया है, अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये साइज के रोल हमें करना है, सारे रोल हम ऐसे ही कट करेंगे। हमारी सारी वड़ी कट हो चुकी है, अब इसे मैं डीप फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ। तेल जो है गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी वड़ी को। अब इसे हम पलट लेंगे। वड़ी जो है लाल हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ऐसे ही हम सारे वड़ी तल लेंगे। माशाल्लाह आलू वड़ी कितनी अच्छी लग रही है, बनाने में भी आसान है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी रेसिपी की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।